हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर एक मिठाई के डब्बे से एक एंटीक बॉक्स बनाने जा रही हूँ, तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दो मिठाई के जो बॉक्सेस आते हैं वही कार्डबोर्ड के, वो मैंने ले लिया है और उसको यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाकर तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको मैंने यहाँ पर नीचे का बेस बना लिया है, तो नीचे फिल करने के लिए और भी कार्डबोर्ड मैंने उसके नीचे रखकर उसे पेश कर लिया है, जिससे मैं जब दूसरा बॉक्स उसके ऊपर रखूँ तो उन दोनों में थोड़ा सा गैप रहे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम अपना बॉक्स का जो नीचे का हिस्सा है यानी कि बेस है उसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह मैंने उसको पेस्ट कर लिया और इसको एक दूसरे में सेट करने के लिए यहाँ पर मास्किंग टेप की हेल्प से मैंने इसके किनारे को फिल कर लिया है और पेस्ट कर दिया है, जिससे ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो इसको ऐसा करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर का जो हमारा पार्ट है तो यहाँ पर हम उसको बनाकर देखेंगे। तो उसको यहाँ पर बॉक्स बंद होने के लिए इस तरह का नीचे हमें बेस बनाकर तैयार करना है, जिससे ये जो लाइन है उसी के ऊपर हमारा बॉक्स बंद होने के लिए फिट हो। तो यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली पूरा बॉक्स पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं टेक्सचर या आप डिज़ाइन बोल सकते हैं, डिज़ाइन बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड जो इस तरह का आता है जिसमें थोड़े से टेक्सचर होते हैं, उस तरह का पीस काट कर मैंने इस पर पेस्ट कर लिया इसके किनारों को। तो अब यहाँ पर इस पीस के ऊपर हम टिशू पेपर से इसको और भी अच्छे से टेक्सचर बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे घर में यूज होता है टिशू पेपर वो लिया है और एक ग्लू में थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक घोल बनाकर उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर टिशू को पेस्ट कर रही हूँ, जिससे हमारा ये जो बॉक्स बनेगा वो उसमें थोड़ा सा एंटीक लुक आएगा। तो आप इस तरह से टिशू को उसके ऊपर बनाकर एक टेक्सचर दे सकते हैं, जिससे हमारा बॉक्स दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास इस तरह के बॉक्स, स्वीट बॉक्स या किसी भी तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं तो आप उसका क्या करते हैं? आप उसको रीयूज करते हैं या फिर ऐसे ही फेंक देते हैं? अगर आप ऐसे ही फेंक दे रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए, आप इस तरह से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अब कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं उसका क्या यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा टिशू पेपर से इसको पेस्ट कर लिया है और ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लिया जिसे राउंड शेप में मैंने अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और इसको हम मिडिल में यहाँ पेस्ट करेंगे। ये इसलिए मैं करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन सोच रखा है उस पर ये परफेक्ट दिखेगा। तो कार्डबोर्ड पेस्ट करके उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मोल्डेड जो क्ले होती है उसको अप्लाई किया है मिडिल सेंटर में बनाने के लिए या फिर बॉक्स को ओपन करने के लिए एक छोटा सा बटन सा बनाया हुआ जिससे हम उसको पकड़ के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पास पिस्ता के छिलके होते हैं उसको यहाँ पर फ्लावर के रूप में बनाकर पेस्ट किया है, तो इससे हमारा बॉक्स दिखने में और भी बढ़िया लगेगा। इस तरह का बॉक्स आप भी घर पर बना सकते हैं और इसमें आप अपने मेकअप के सामान या फिर आप डेली यूज की चीज़ें कुछ भी आप रख सकते हैं। इनफैक्ट आप ये डाइनिंग टेबल पे
आप ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए भी बना सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप जब इसे बना कर रखेंगे अपने घर के किसी भी टेबल पे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। यहाँ पर इस तरह से मोल्डेड क्ले की हेल्प से मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे बॉक्स के डिजाइन क्रिएट कर ली। आप किसी भी तरह की डिजाइन बना सकते हैं। आपको ये लगता है कि थोड़ा मुश्किल है बनाना, तो यहाँ पर आप पेंसिल की हेल्प से ऐसे डिजाइन बना के उसके ऊपर आप क्ले लगा सकते हैं। अगर आपको क्ले से काम करना मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर मिरर्स का यूज कर सकते हैं। आप छोटे छोटे मिरर्स भी लगा सकते हैं, वो भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप नए नए आइडियाज मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं नए नए आइडियाज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऊपर के बॉक्स का जो हमारा ढक्कन था जिसपे हमें बॉक्स को बंद करना था वो बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारा बेस है बॉक्स का, उसके नीचे लेग्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्ले की हेल्प से ही इसका लेग बना रही हूँ, जिससे दिखने में बॉक्स और भी उसका लुक बढ़िया हो जाएगा। वो दिखने में थोड़ा एंटीक पीस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्ले की हेल्प से, मुझे जो भी डिज़ाइन बनानी थी वैसे मैंने बना लिया और सब कुछ ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर यूज किया है। ब्राउन कलर दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा बनकर। तो मैंने यहाँ पर इसको कलर कर लिया है पूरी तरह, और जब ये कलर एक बार ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको जो डिज़ाइन मैंने बनाई है उसको उभारने के लिए यहाँ पर मेटैलिक गोल्ड कलर लिया है। इसको स्पंज की हेल्प से यहाँ पर हम इसको कलर अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा टच करके यहाँ पर इसको और भी डिज़ाइन को निखार लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम सारे जो हमारे डिजाइन हैं क्ले और पिस्ता के छिलके की, उसको हम ऐसे ही टैप टैप करके, देखिए यहाँ पर हमारा डिजाइन कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये लग रहा है ना बिल्कुल एंटीक पीस। आप लोगों को ये बॉक्स बनकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप भी अपने घर पर ऐसे बॉक्स का यूज कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर सजा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये बॉक्स बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। आप भी इस तरह के बॉक्स बनाइए और मुझसे शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।